स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज़ मेक एंड बाय डिसीजन। मतलब जो हमारी कंपनी है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको वो बनाना चाहिए खुद से या फिर दूसरी कंपनी से बाय करना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमारे क्या क्या टैक्स इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, मतलब क्या क्या टैक्स रिबेट, टैक्स पे छूट हमें मिलती है, आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। सो स्टार्ट करते हैं कि हमारा मेक और बाय डिसीजन क्या होता है। हर एक इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए असेंबल करना पड़ता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। लाइक अगर हमें कार मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए हमें क्या थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स या उसके पार्ट्स असेंबल करने पड़ेंगे। उसके लिए हम खुद अगर हमारे पास सोर्सेज हैं तो हम खुद से बनाएंगे, अगर नहीं है तो हम बाहर से परचेज करेंगे दूसरी कंपनीज से, ठीक है, वो कार क्या करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, उसको बनाने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल, एवरी कॉम्पोनेंट और पार्ट ऑफ कार कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाई वन कंपनी। मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट कंपनी जो है खुद से मैन्युफैक्चर कर रही है उस कार का, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ पार्ट्स ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी कंपनी से ले रही हो। तो ये क्या होता है हमारा, अगर हमारी कंपनी खुद से सारे पार्ट बना रही है तो ये होता है हमारा मेक। लेकिन अगर कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बाहर से कोई पार्ट ले रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाय, कि हम दूसरी कंपनी से क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ओके। सिंस पार्ट मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व कॉस्ट, अगर हम किसी पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं खुद से, तो वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, वो कॉस्ट, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके लिए एक्सपर्टाइज भी चाहिए, ठीक है। उस पार्ट को बनाने के लिए उस बंदे को एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि ये इस पार्ट्स को बनाने के लिए एक्सपर्टाइज है। देयरफॉर इन सच केसेस कंपनी परचेजेस पार्ट फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी। सो इस केस में क्या करती है कि कंपनी बाहर से परचेज करने के लिए सोचती है, ठीक है। लेकिन बाहर में भी क्या दिक्कत आती है, वेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड मार्केट इज़ हाई। लेकिन जब हम बाहर से कोई पार्ट बना बनाया परचेज करते हैं, अब भाई हमारा टाइम लग रहा था, कॉस्ट लग रही थी, एनर्जी लग रही थी, अब वो उस सब का पैसा तो लेगा जब हम बाहर से परचेज करेंगे उसको। सो उसमें हमारी जो कॉस्ट हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है जब हम बाहर से क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। देन द कंपनी माइट गो फॉर इन द प्रोडक्शन हाउस। तो कंपनी कहाँ पे जाती है, फिर प्रोडक्शन हाउस में जाती है कि हमारी कैपेबिलिटी है इसको बनाने की या फिर नहीं है। इसी डिसीजन को हम किस कैसे यूज़ करते हैं, मेक और बाय डिसीजन में, अपनी कंपनी को किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या फिर दूसरी कंपनी से बाय करना चाहिए, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ओके। नेक्स्ट, इस सब फैक्टर से अलग हमारे कुछ फैक्टर्स और होते हैं जो मेक और बाय डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, कि जो हमारी कंपनी है वो अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर अच्छे से नहीं कर रही तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा कि हम दूसरी कंपनी से बाय कर लें। हमारे पास इनएडिक्वेसी फंड है या फिर नहीं है, मतलब अगर हमारे पास पैसे की कमी हो रही है तो फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद से बना सकें, खुद से अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बाहर की कंपनी से उसको क्या कर लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, मशीनरी नहीं लगा सकते कि वो हमारे ये पार्ट्स बना के दे दे, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी हमें क्या करना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि हमें मेक करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ द सप्लायर, हमारा सप्लायर टाइम से सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल नहीं कर रहा है, ये सब डिपेंड करते हैं हमारे मेक और बाय डिसीजन पे कि हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए या फिर दूसरी कंपनी से बाय करना चाहिए, ओके। सो अब देखते हैं कि क्या क्या टैक्स कंसिड्रेशन, क्या क्या टैक्स रिबेट्स गिवन है इसके अंदर। पहला है कि अगर हम कोई भी अपनी इस्टेब्लिश करते हैं यूनिट, ओके, यूनिट किस लिए इस्टेब्लिश करते हैं, रॉ मटेरियल अपना जो वो भी पार्ट्स हैं उसको बनाने के लिए। सो इफ़ द डिसीजन टू मैन्युफैक्चर टू पार्ट और अ कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व सेटिंग अ सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट, ओके, अगर कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जो अपना इस्टेब्लिश कर लेता है न्यू यूनिट, मतलब एक न्यू बिजनेस, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल यूनिट बना लेता है, तो उसको टैक्स इंटेंसिव इंसेंटिव कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, अंडर सेक्शन 10A, 10B, 32, 80IA एंड 80IB टैक्स कंसिड्रेशन उसको मिलेगा कि आपने क्या किया है, एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप की है इसका पार्ट्स बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, पार्ट्स बनाए हैं, उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं आप, ठीक है, मेक और बाय डिसीजन में, सो उसमें आपको कहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स मिलता है, इफ़ मेक एंड बाय डिसीजन इन टेकन फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स देन टैक्स इंसेंटिव्स अवेलेबल, किसके अंडर में अवेलेबल है, 80HSC, डिपेंड ऑन
whether goods manufactured by taxpayer himself are exported or good manufactured by others are exported by the taxpayer. मतलब जो भी उसने goods manufacture किया है वो उसने खुद से export किया है या फिर others persons के through export कराया है. Next is sale of plant and machinery. If buying is cheaper than manufacturing, मतलब अगर हमारा buy cheaper है manufacturing से, जो हम buy कर रहे हैं दूसरे बंदे से, अगर हमारा वो part जो है चीपर है अगर हम बनाते हैं उससे, देन द एसएससी डिसाइड्स टू बाय पार्ट्स और अ कंपोनेंट फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो हमारे एसएससी का क्या डिसीजन होगा कि मैं बाय करूँगा उस प्रोडक्ट को या फिर उस पार्ट को. ही मे लाइक टू सेल द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी, टैक्स इम्प्लीकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50. और वो अपने प्लांट और मशीनरी को सेल भी कर सकता है और उसको टैक्स इंसेंटिव किसके अंदर मिलता है, सेक्शन 50 के अंदर. ओके गाइस, so this is all about the tax consideration related to the make and buy decision. And guys, you know that the not subscribes are 97.8% and subscribe only 2.2%. so guys, if you like this video please subscribe my channel, kyunki aap log subscribe nahi karte ho. 97.8% bande hain jo video dekhte hain but subscribe nahi karte, so please subscribe me and thank you.